हम बलिया की ईदगाह पर हैं। आज बकरीद के पर्व पर बकरीद की नमाज अदा हो रही है और बकरीद की नमाज अदा के बाद लोग ईदगाह से बाहर निकल रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे, नौजवान, सारे लोग बकरीद की नमाज अदा करने के बाद लौट रहे हैं। गुजरी बाज़ार में भी देखा गया, बड़ी मस्जिद गुजरी बाज़ार में भी नमाज अदा की गए। उसके बाद बिश्नपुर जमा मस्जिद में भी लोगों ने नमाज अदा किया। शहर के काजीपुरा की बात करें, जंगेली मोहल्ला की बात करें, तमाम जगहों पर बकरीद का पर्व मनाया गया, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा जगह पे। पुलिस कप्तान, सिटी मजिस्ट्रेट, कोतवाल, सीओ सिटी, हमने जो देखा कि मस्जिद पर और ईदगाह पर नज़र आए। बकरीद का पर्व हर साल मनाया जाता है और इस साल कुछ कोरोना काल के चलते ईदगाह पर नमाज अदा नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार 2022 में देखा गया तो ईदगाह में भारी संख्या में लोग बकरीद की नमाज अदा किया इन लोगों ने। अब फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल, यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार। कितने बजे नमाज है यार? 8 बजे। 8 बजे नमाज आता है। कितने बजे खत्म हो जाएगी? सब 8 बजे तक। 15 मिनट तक नमाज आता है? 15-20 मिनट चलता है। हम इस समय बिश्नपुर जामा मस्जिद में। हाँ, बिश्नपुर जामा मस्जिद। अरे आपको भी बधाई हो सर। सर सर ठीक है, हम लोग का भी हो जाए। जी जी हेलो जी। एक आदमी और लोग की गले मिलते हैं। ولا ذكر الله تعالى.